Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I am Saamak. मैं बहुत ज़्यादा भगवान को मानती हूँ एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड सब चीज़ों को मैं बहुत ही शिद्दत और बहुत ही प्यार से उन सब चीज़ों को मनाती हूँ. कम ऑन माई इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें डालूंगी स्पेशली रिलेटेड टू नवरात्रास बिकॉज हम एंड आप दोनों मिलके पूरे नवरात्रेज रखेंगे. मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही मैजिकल एंड मिरेकल्स होते हुए देखे हैं, बहुत सारे बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं. मुझे समटाइम्स फील हुआ है कि खुद ऊपर से भगवान जी आए हैं मुझे सेव करने के लिए. नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं नवरात्रा की. ये जो पूरे फेस्टिवल्स आते हैं, पूरा मंथ होता है, ये इतना ज़्यादा पवित्र होता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. आपके बिलीव के ऊपर है, आपकी पावर के ऊपर है, आप कितने स्ट्रॉन्ग उन पे बिलीव करते हो और कितना आप लोगों को दूसरों को हर्ट करते हो. जो आप दोगे वही आपके पास आएगा. सो आज हम बात करते हैं नवरात्रा की. सो नवरात्रा का ये जो प्लान है इसमें मैं बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ लेके आई हूँ एंड मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी. बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, ये जो फास्टिंग का डाइट है इसमें ना मैं एक बहुत ही ट्विस्ट वाली चीज़ बता रही हूँ. डिनर में हम ना सिर्फ जूसेस रखेंगे बट उससे पहले मैं पूरा डाइट चार्ट आपको बताऊंगी. आप इस 9 डेज़ के फास्टिंग के साथ साथ अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से हील कर सकते हो. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है, आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सकता है, आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो कर सकती है एंड उसके साथ साथ आपके इंचेस भी जा सकते हैं. अब दिवाली पे नई ड्रेस तो सब ने पहनी है, करवा चौथ भी आ ही गया है ऑलमोस्ट. सो पॉइंट इज़ ये जो 9 डेज़ हैं आपने अपने आप को देना है, आपने बहुत अच्छी चीज़ें करनी है, आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और आपने किसी का भी गलत करने की सोचना भी नहीं है, ना गुस्सा करना है. अपना वेट चेक करना है डेली ऑन अ वेइंग स्केल एंड उसको कहीं लिखना है यू हैव टू टारगेट दैट दीज 9 डेज़ के अंदर हम लोग 3.5 से 4 किलो आराम से लूज़ करेंगे. ठीक है, एवरी डे आपके 300-400 ग्राम शेड होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए नींद टाइम पर वेट अपडेट डेली का चेक, सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद विदाउट क्लोथ्स. 3rd इज़ पीसफुल माइंड. 4th इज़ पानी अच्छे से पियेंगे. मेक श्योर आपका जो यूरिन जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो डार्क येलो पेल येलो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मीन्स बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड है और बॉडी अगले दिन बलून की तरह सूख जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं हम मॉर्निंग ड्रिंक. सबसे पहली चीज़ जो ये डाइट है उसमें आप सुबह पूजा पाठ करने के बाद अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक लेंगे वो लेंगे 7 से 7:30 बजे के बीच में. नाउ मॉर्निंग ड्रिंक हमें क्या लेना है, चलते हैं किचन में. ओके, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक. नाउ मॉर्निंग ड्रिंक के लिए यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन है. नंबर 1 यहाँ पे मेरे पास है तुलसी के पत्ते, मेरे बगीचे से मैं लेके आई हूँ मेरे तुलसी के पत्ते. और यहाँ पे मेरे पास है करी पत्ता. ये दोनों पत्ते हम फास्टिंग में ले सकते हैं. सो आपने क्या करना है, या तो आप लेंगे 2 तुलसी का पत्ता, आप इसको वॉश करके च्यू करके खाएंगे और साथ में ये एकदम तेज़ गर्म पानी है, 1 गिलास पानी पियेंगे गर्म. नहीं तो आप लेंगे 2 से 4 हमारा करी का पत्ता, इसको हम च्यू करेंगे और साथ में गर्म पानी पियेंगे. अब इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऐश गार्ड का जूस. नाउ ये है वाइट पेठा. इसका आपने 1 गिलास पूरा जूसर में जूस निकाल के पीना है. मैं अभी निकाल नहीं रही अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाएगा, बट इसका पूरा का पूरा जूसर में जूस निकाल के पीना है. इसको पीने से बहुत अच्छे से आपको फ्लश ऑफ होगा. फास्टिंग के अंदर जो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, बर्बिंग फाटिंग आती है, इस जूस की हेल्प से वो नहीं आएगा. ओके, वेलकम बैक जी. अब हम बात करते हैं जी ब्रेकफास्ट की. नाउ ब्रेकफास्ट के अंदर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ ब्रेकफास्ट के जो टाइमिंग है 9 to 9:30. इसके अंदर हम बनाएंगे टमाटर और पनीर की सब्ज़ी और साथ में कुट्टू की रोटी. चलते किचन में. नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट. नाउ ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास है कुट्टू का आटा. ये हम 1 कटोरी लेंगे, इसकी हम रोटी बनाएंगे. तो सन्ना मुझे हेल्प करेगी ये आटा गूंदने में. हम बना रहे हैं हमारी कुट्टू की रोटी. तो इसको हम सेकेंगे गैस पे अच्छे से. वेरी गुड. और ये जो रोटी है इसमें हमने ना घी लगाया है ना ऑयल लगाया है, बिल्कुल भी नहीं. इसको खूब अच्छे से अब हम पकाएंगे और साथ में हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी, वो भी बिना घी और तेल की तो अब यहाँ पे मेरा पैन रेडी है, गरम हो चुका है. ये रहे मेरे टमाटर, 4 से 5 टमाटर मैंने यहाँ पे पीसे हैं, ये मैंने अपने गरम पैन में डाल दिया. और जब तक मेरे टमाटर अच्छे से पकना चालू होंगे तब तक मैं इसमें डालूँगी यहाँ पर पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, मेरा व्रत वाला नमक, संधा नमक, हल्का सा नमक एज पर योर टेस्ट. इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा जीरा. इसको बहुत अच्छे से मैं पकाऊंगी, बहुत ही अच्छे से. अब मैं टमाटरों को पकने दूंगी कम से कम 3 से 4 मिनट तक सिम आंच पर। ओके, अब ये रही मेरी पनीर। इसके अंदर मैं डाल रही मेरे पनीर, बहुत ही कम क्वांटिटी ली है मैंने, एक बंदे के जितनी। एंड ये हमारा पक रहा है, 2 मिनट और कुकिंग करेंगे एंड इट्स रेडी। ओके, सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, तो हमारी कुट्टू की रोटी एंड हमारा पनीर विद टमाटर। यस, इट्स रेडी। वेलकम बैक। अगर आपको ये लेने का बिल्कुल मन नहीं है, हटा दो। मेरे चैनल पे वेराइटीज़ ऑफ चीला है, कुट्टू का चीला है आलू के साथ, सामक का चीला है आलू के साथ। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ चीले मैंने लास्ट नवरात्रि पे पोस्ट किया था। आप इनमें से कोई सा भी पिक कर सकते हैं एंड यू कैन हैव दिस। साथ में बाउल ऑफ कर्ड डेफिनेटली आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे ब्रेकफास्ट पे। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी आपको? कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन और बर्बिंग एंड पार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। प्रोबायोटिक मस्ट हैव। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? हम लेंगे यहाँ पे लड्डू, घिया और कोकोनट का लड्डू। कैसे बनाना है चलते किचन में। नेक्स्ट मिड ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं घिया एंड कोकोनट की बर्फी। और ये रहा मेरे पास घिया, कद्दूकस किया हुआ, खूब सारा पानी है इसमें। इसका पानी सबसे पहले मैं निकाल दूंगी यहाँ पर, तो इसका पानी निकालते हैं हम हाथ से। तो यहाँ पे मेरा पैन रेडी है और ये रहा मेरे पास हमारा घिया। बट जो घिया आप यूज़ करोगे उसको टेस्ट कर लेना कि कहीं वो घिया कड़वा तो नहीं है। ये डाल दिया मैंने घिया। इसको मैं बहुत अच्छे से पकाऊंगी जब तक इसका पानी सारा ड्राई ना हो जाए और ये बिल्कुल एकदम ड्राई ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे मेरे कद्दूकस किया हुआ नारियल है, ये मैं डाल दूँगी। हम पकाएंगे बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच जितना घी। बढ़िया। नेक्स्ट इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे इसमें जैगरी का पाउडर, गुड़ का पाउडर। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसे मिक्स करके गैस कर देंगे बंद। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसे होने देंगे ठंडा। तो ये रहा हमारा मिक्सचर, ये हो रहा था ठंडा और अब हम बनाएंगे। सो हेयर वी गो, बस लड्डूस बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एंड आपके 9 डेज ईजिली चल जाएंगे। इसके अलावा अगर ये खाने का आपका मन नहीं है मिड ब्रेकफास्ट में, देन आप नारियल की गिरी खा सकते हो। जैसे हम अपने घर में हमेशा नारियल की गिरी रखते हैं क्लीन करके, तो इतनी नारियल की गिरी आप ले सकते हो। ये भी खाने का मन नहीं है, हटा देते हैं। इसके अलावा आप एप्पल्स ले सकते हो, 1 या 2 एप्पल। पेयर आप ले सकते हो, गुआवा आ गया, गुआवा ले सकते हो। बेसिकली एनी सीजनल फ्रूट, बट बेस्ट ऑप्शन इज़ दिस नारियल, या फिर ये बहुत अच्छा गुड फैट है, या फिर हमारे नारियल और घी के लड्डू। नाउ अब हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच का जो टाइमिंग होगा हमारा 1:30 बजे से पहले होगा। लंच के अंदर हम लेंगे साबुदाना पुडिंग, साबुदाना फ्रूट पुडिंग। कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। अब हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना विद फ्रूट्स। ये साबुदाना मैंने थोड़ी देर मतलब 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में सोख करके रखा था। आज से आधा ये पक चुका है। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी एंड बहुत ही सिंपल रेसिपी है एंड बहुत यम्मी है। ये रहा मेरा पैन के अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच जितना घी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही मेरा जीरा। नेक्स्ट ये रहे मेरे पास पीनट्स, ये डाल दिए मैंने मूंगफली। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे कड़ी पत्ता एंड लास्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा साबुदाना। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ सेंधा नमक एज पर द टेस्ट। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारे कटे हुए फ्रूट्स। यहाँ पे मेरे पास है गुआवा, पिंक गुआवा मिले थे मुझे मंडी में। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे अनार। जो भी फ्रूट आपको मिलेगा, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन का फ्रूट आप ले सकते हो। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे एंड हो गया हमारा लंच रेडी। वेलकम बैक जी। नाउ इसके बाद अब हम ले सकते हैं, अगर ये खाने का मन नहीं है, मेरे चैनल पे एप्पल शेक है, पियर शेक है, हमारे पास चटपटा पनीर की रेसिपी है। अगर ये भी नमकीन खाने का मन नहीं है देन हमारे पास एप्पल एंड डेट्स का शेक है। आप इनमें से कोई भी चीज़ें पिक कर सकते हैं एंड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी के अंदर यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात कर रखी है पील टी की, फ्रूट और उसका पील। नाउ फास्टिंग में हम लोग फ्रूट्स तो खाते ही हैं, जब हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसके पील को हम क्यों ना इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग हैं जो ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत सारे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आप आई एम श्योर थोड़े बहुत तो फ्रूट्स अफोर्ड कर ही सकते हैं। एप्पल सिनेमन टी, साथ में एप्पल खा लो, एप्पल का पील अगर आप सिनेमन टी में यूज़ कर रहे हो। आप मौसम्बी का पील टी, ये रही मेरे चैनल पे रेसिपी, उसकी मौसम्बी खा लो। अगर आपको सबसे बेस्ट चीज़ है अनार की पील टी, जो कि है अनार आप खाओ और उसके साथ उसकी जो पील है उसकी टी बनाओ। ये तीनों टीज़ की रेसिपीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एंड ये बहुत कमाल का काम करेगी आपकी स्किन पे, आपके लोअर बेली पे और आपके सारे टॉक्सिन्स को फ्लश ऑफ करने में। सो मेक श्योर इवनिंग के टाइम पे इन 9 डेज़ के अंदर आपने क्या लेना है, जो भी फ्रूट आप खाओगे उसकी पील की टी बना के लेनी है। विच मीन्स उसके पील को आपने 2 कप पानी में उबालना है, जब तक वो 1 कप हो जाएगा, छान के आपने उसे पीना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाउ डिनर की। नाउ डिनर इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट हेयर। भूख भी लगेगी, क्रेविंग भी होगा, कुछ ना कुछ आपको खाने का भी मन करेगा, बट यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। यहाँ इसको बहुत अच्छे से माइंडसेट को कंट्रोल करना। आई एम ऑन अ डाइट, मैं शाम को आती हूँ थोड़ा बहुत अपना फंक्शन ट्रेनिंग करके, मुझे इतना भूख लगता है यार सब खा लो, बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करती हूँ क्योंकि मैं रात को ना अपना वेट चेक कर लेती हूँ कि मेरा वेट इतना आ रहा है, तो मॉर्निंग का मेरा वेट अपडेट का एक्सपेक्टेशन इतना एंड टचवुड उतना ही आता है जितना मेरा माइंडसेट चलता है। मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम के जो मेरा ब्रॉडकास्ट का चैनल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि रात को मेरा वेट इतना है, कल सुबह इतना होना चाहिए, तो वो उतना ही आता है। सो अब हम बात करते हैं डिनर की। अगर डिनर में बहुत हैवी क्रेविंग हो रही है, मेक श्योर यू हैव टू चेक योर वेट रात का। सो अब डिनर में हम क्या लेंगे ताकि हमारा मॉर्निंग का बहुत अच्छे से फ्लश ऑफ हो और बहुत अच्छे से हमारे इंच लॉस भी हो। सबसे बेस्ट चीज़ मैं डिनर में बोलना चाहती हूँ, टेक अ जूसेस, ग्रीन जूस। ये यहाँ हम ले सकते हैं अपने फास्टिंग में, हम ऐश कार्ड ले सकते हैं अपने फास्टिंग में, हम मौसम्बी ले सकते हैं फास्टिंग में, पाइनएप्पल्स ले सकते हैं। आप किसी का भी मिक्स एंड मैच करके 1 गिलास बड़ा जूस बना के पिएंगे, किसी का भी मिक्स एंड मैच करके 1 गिलास बड़ा जूस का 7 बजे तक एंड उसके बाद खत्म। बट मेक श्योर कि इस जूस के अंदर किसी भी टाइप का नमक और देसी खांड ना जाए। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको देती हूँ टमाटर का सूप। नाउ जनरली हम लोग टमाटर खाते हैं, टमाटर का सूप, टमाटर को उबाल के ब्लेंड करके उसका सूप बना के भी हम ले सकते हैं। बट इस डाइट के साथ जो बेस्ट काम करेगा वो करेगा जूस। रात को आप जूसेस लीजिए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग तक योर टमी विल बी लाइक फुल्ली फ्लैट। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ इसकी, मेरा वेट इतना हैवी हो गया था और वो इतना कम है अभी इस समय, मतलब मैंने 2 वीक्स के अंदर 4.5 किलो तक गिरा है। एंड मैं बीच बीच में खा भी रही हूँ क्योंकि मेरी आउटिंग बहुत होती है, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पे आना जाना, फ्रेंड्स के आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, अबाउट टू गेट मैरिड। नेक्स्ट नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, 9:30 बजे तक नाइट ड्रिंक लेंगे और नाइट ड्रिंक में क्या लेंगे हम, जीरा का टी। ना जीरा टी मेरे चैनल पर मैंने 7 साल पहले डाली थी, ये रही उसकी रेसिपी, गो एंड वॉच। सो ये है पूरा हमारा नवरात्रि का प्लान। खूब सारी ब्लेसिंग्स मुझे भी देना, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड खूब सारा आशीर्वाद मुझे देना। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कम ऑन माय इंस्टाग्राम। थर्ड वन इज़ लूज़ योर वेट, 4-4.5 किलो बड़े प्यार से जाएगा एंड उसके बाद मेंटेन करना भी आपको आना चाहिए एंड उसको बहुत अच्छे से बनाएंगे हम इस बारी अष्टमी एंड दोनों साथ साथ बनाएंगे। आई विल मेक श्योर मैं उसका एक ब्लॉग बनाऊँ सो दैट कि आपके पास चीज़ें जाएँ, हमारे पास चीज़ें हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नवरात्रि। लव यू ऑल।